दोस्तों नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोग देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का वीडियो। दोस्तों आप लोग बंद रहेगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ, जितने भी सीआरसीएस पोर्टल पे लोग अप्लाई किए हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है, यानी सभी के लिए है, तो आपको देखना जरूरी है। तो आगे क्या है मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमारा जो है पैसा अभी तक नहीं आया, तो भाई आपको कैसे चेक करना है, क्या प्रॉब्लम है? तो सबसे पहले आपको चेक करना है, क्योंकि आप लोग जान ही रहे होंगे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट में मिस्टेक हो रही है, इसलिए सभी का रिजेक्ट हो जा रहे हैं। तो इससे पहले आपको पता कर लेना है कि हमारा फॉर्म जो है रिजेक्ट है या नहीं है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। डिफिशियंसी का जो लोगों पे मैसेज आ रहा है इसका मतलब क्या है, तो आप लोग को जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले वो एक ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है, इसमें आपको टाइप कर देना है CRCS। दोस्तों जैसे आप लिखेंगे CRCS, उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद उसके बाद देखिए यहाँ आपका साइट खुल के आ चुका है सबसे ऊपर वाले पे, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। तो जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक यहाँ पॉपअप दिखाई दे रहा होगा, यानी कि इसमें दे रहा है 5 लाख तक जो है आप अप्लाई इस पे कर सकते हैं। तो फिलहाल जिनका अभी 5 लाख तक है वो लोग अभी वेट करें, क्योंकि अप्लाई तो हो रहा है, फिलहाल अभी भुगतान नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से आप थोड़ा और वेट करें। जिनका भी 50,000 से कम है वो लोग इस पोर्टल पे जा करके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 50,000 तक जो है रिफंड शुरू किया गया है सरकार के द्वारा। हो सकता है कि आगे चल करके 5 लाख तक शुरू हो सकता है। इससे पहले आप लोग देखिएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कहीं भी इसकी मत करिएगा। तो दोस्तों आप कहीं से जो है इसका ऑनलाइन करवा सकते हैं, यदि आप लोग का कम पैसा है, यदि आपका सब कुछ सही पाया गया तो आपका पैसा आ सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि कुछ लोगों का पैसा आया है जहां तक मैं जानता हूं। और उसके बाद आगे क्या है, आपको कहां जाना है, देखिए रिसबमिशन लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको जो क्लेम नंबर मिला होगा, जो ऑनलाइन करते समय आपको एक नंबर मिला होगा, उस नंबर को इसमें फिल करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए रिसबमिशन लॉगिन पे आपको जाना है, क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो फिलहाल आपको यहीं से सब कुछ करना है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ ऐसे ही आपको करना है, और आपको चेक कर लेना है डिफिशियंसी में क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे उसमें आपको ऑप्शन दिखाई देगा, तो उसमें प्रॉब्लम बताया जाएगा किस कारण जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, यदि आपका कुछ भी उसमें छूट गया है या कुछ भी गलत भरा गया है, तो आप जो है उसमें एडिट करके भरवा सकते हैं। यदि सही रहता है तो आपका पैसा जो है आ सकता है, यानी 50,000 तक बताया जा रहा है, 50,000 तक लोगों का भुगतान हो रहा है, तो आपका जो है पैसा आ सकता है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा जिनका भी डिफिशियंसी का जो प्रॉब्लम आ रही है उनको एक बार जो है चेक करना है। यदि आप लोग चेक नहीं करेंगे तो वैसे ही रह जाएगा, आपका पैसा नहीं मिल पाएगा जो भी मिलना रहेगा। तो आप वो एक बार इस पोर्टल पे जा करके एक बार जरूर चेक करें, यदि आपने ऑनलाइन किया है तो। तो इसमें आपको डाल देना है, उसके बाद इसमें क्या करना है, क्लेम नंबर जो आपको मिला होगा इसमें आपको डालना है। जैसे ही आप डालेंगे उसके बाद कैप्चा डालेंगे, आपके मोबाइल पे एक OTP जाएगा, वह OTP इसमें फिल करना रहेगा। फिल करने के बाद जितने भी आपके पास बॉन्ड पेपर है सभी का जो है उसमें शो करेगा, 1, 2, 3, 4 करके मान के चलिए आपके पास 2 बॉन्ड पेपर है, दोनों का हुआ होगा, तो दोनों का आप बारी बारी से देख लीजिएगा, आगे पीछे रहेगा तो उसमें देख लीजिएगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, डिफिशियंसी का क्या है, जो भी है उसमें अपडेट आप लोग कर लीजिएगा। अपडेट करने के बाद यदि आपका सब कुछ सही पाया गया तो आपका पैसा आ भी सकता है, क्योंकि बहुत ही जरूरी है ये सब जानना। हमारे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि डिफिशियंसी वालों का क्या है, डिफिशियंसी कैसे हटेगा, तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोग चेक करके उसे एडिट करके जो भी है आपको सही सही भरना है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोग जो है जरूर से जरूर एक बार चेक करें, तो आपको सही से एक बार जो है अपने घर बैठे अपने मोबाइल के माध्यम से ही आप चेक कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है, केवल OTP आएगा, OTP से में फिल करना रहेगा, उसके बाद जो है आपका सब कुछ दिखाई देगा, तो आपको जो है वहीं से सही कर लेना है। फिलहाल दोस्तों जो भी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मैं आपको लाइव नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है प्रेजेंट टाइम में, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। तो आपको ऐसे ही करना है, क्लेम नंबर इसमें डाल देना है जो रजिस्ट्रेशन करते समय आपको मिला होगा, तो आपको डाल देना है, उसके बाद कैप्चा, उसके बाद OTP जाएगा, उस OTP से में फिल करना रहेगा, उसके बाद जो है आपको वैलिडेट पे आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद जो भी समस्या है शुरू हो जाएगा, आप लोग देख करके एडिट कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जो भी था मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, वीडियो के माध्यम से बस इतना ही, जय हिंद।